नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वे ऑफ लिविंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मीठी सिवई की रेसिपी जो सभी को पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्राई पैन में मैंने लगभग 1 टेबल स्पून घी डाला है और इसमें 1 बोल सिवई ऐड किया है। सिवई को हमें धीमी आंच पे भूनना है और इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। इसे हमें बराबर चलाते रहना है जिससे कि ये जलने ना पाए। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। सिवई हमारी गोल्डन कलर की हो गई है, अब हम इसे बनाएंगे। हमने पैन में 2 ग्लास दूध ऐड किया है और इसे बॉईल किया है। अब हम इसमें भुनी हुई सिवई को ऐड करेंगे। सिवई को दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि इसमें गुल्टियाँ ना पड़ने पाए। सिवई दूध में हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है, अब इसमें हम बाकी बचा हुआ दूध भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे और इसे धीमे धीमे पकने देंगे। हमें सिवई को 8 से 10 मिनट तक ही बॉईल करना है। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें हम 3/4 बोल शुगर ऐड करेंगे और दूध में शुगर को मिक्स कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिवई हमारी थोड़ी सी ठीक हो गई है, अब इसमें हम कटे हुए कैशियो और आलमंड डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। सिवई हमारी बनके तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए। सिवई हमारी बहुत ही स्मूथ बनी है, आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आशा है ये आपके घर में सभी को पसंद आएगी। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।